कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे राम राया, करो दया मेरे राम राया, करो कृपा मेरे करो दया मेरे राम राया, करो कृपा स्वीकार कीजिएगा। आप सबको याद होगा त्याग की चर्चा चल रही थी, उसी बीच बिल्कुल उसके विपरीत तृष्णा की चर्चा शुरू हो गई थी। त्याग जहां शांति देता है, परम शांति देता है, तृष्णा उतनी ही दुखदायी है, बंधनकारी है। दो विपरीत बातें। ऐसा दिखनो एक बहुत बड़ी सेठ किसी संत महात्मा के दर्शनार्थ गए, वहां जाके उनके श्री चरणों में शीश नवाया। महात्मा ने भी उसी ढंग से लाला के चरणों में शीश नवा दिया। लाला ने पूछा, महाराज मैं तो पहले ही बहुत पापी हूं, आपने ऐसा करके मेरे ऊपर और पाप चढ़ा दिया। नहीं भाई, तूने मुझे प्रणाम किया, मैंने तुम्हें प्रणाम कर दिया। लाला ने कहा, पर बाबा आप तो तपस्वी हो, आप तो त्यागी हो, ये सब कुछ देख के तो मैंने आपके श्री चरणों में शीश नवाया। महात्मा कहते हैं, लाला तुम मेरे से ज्यादा त्यागी हो। लाला राम राम करता है, कैसे महाराज, मैं और त्यागी? हां तुम मेरे से बड़े त्यागी हो। संत समझाते हैं, लाला परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैंने संसार को त्याग रखा है,
और तूने संसार को पाने के लिए परमात्मा को त्याग रखा है, तू मेरे से बड़ा त्यागी है। देवी सज्जनों, ऐसे त्यागी ही नहीं बनना। त्याग अर्थात विकारों का त्याग, दुर्गुणों का त्याग, दुर्विचारों का त्याग, अपने अहम का त्याग, मैं और मेरा इन शब्दों का त्याग, स्वार्थ का त्याग इत्यादि इत्यादि। इसी के अंतर्गत देवी और सज्जनों बीच में शुरू हो गई थी चर्चा तृष्णा की। कुछ अप्राप्त है उसे प्राप्त करने की चाह को इच्छा कहा जाता है, कामना कहा जाता है। ये तृष्णा रूपी रोग देवी और सज्जनों हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, बच के रहिएगा इससे। एक छोटी सी उदाहरण के बाद चर्चा को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। एक बहुत सदाचारी ब्राह्मण हैं, परोपकारी हैं, लोग उन्हें महादानी कहते हैं। ब्राह्मण अक्सर दान लेने वाले हुआ करते हैं, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा है इस ब्राह्मण पर, ये दान देने वाला है, महादानी लोग इसे कहते हैं। आज विचरते विचरते एक निर्जन स्थान पर गए, जंगल है, देखा ना कुटिया ना कोई आश्रम, आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक संत महात्मा बड़े ओजस्वी बड़े तेजस्वी चेहरा, बड़ा नूरी चेहरा, एकांत में बैठे हुए हैं ध्यानस्थ। अतएव डिस्टर्ब करना नहीं चाहा, मानो उस ध्यानस्थ मूर्ति को देख देख के तो ये ब्राह्मण बहुत आनंदित हो रहा है, इसे स्वयं को शांति का अनुभव हो रहा है, पास बैठ गया। ध्यान के बाद जब आंख खुली महात्मा की, महात्मा ने आगमन का कारण पूछा। कहा, महाराज मैं अमुक ब्राह्मण हूं, आप कहें तो मैं आपके लिए एक यहां कुटिया बनवा दूं, आप कहें तो मैं एक आश्रम यहां पर बनवा दूं। महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण देवता मुझे ना कुटिया चाहिए ना मुझे आश्रम, आप मैं जैसे हूं मेहरबानी करके मुझे ऐसा ही रहने दीजिएगा, परमात्मा ने कुछ मेरे लिए करना होगा तो वह स्वयं कर देगा, आपको वह तकलीफ नहीं देगा, आप मेहरबानी कीजिएगा। अच्छी बात है महात्मन, आपको ये नहीं चाहिए तो मेरे घर का भोजन स्वीकार कीजिए, मैं किसी के घर नहीं जाता। संत ने कहा, ठीक है महात्मन, मैं यहीं लाए देता हूं। ऐसी बात हो ही रही थी तो एक दुबली पतली वृद्धा आई है, इतनी दुबली पतली माता, लगे कि ये अभी गिरी कि अभी गिरी, हड्डियां ही हड्डियां उसकी दिखाई दे रही हैं, ऊपर मांस नहीं है, सिर्फ चमड़ी हड्डियों के साथ चिपकी हुई है, वृद्धा है, लगे कि इसको ये खड़ी कैसे है, ये अभी अभी गिरेगी। संत महात्मा ने कहा, लाला इसको ले जाओ, भूखी बेचारी, इसको पेट भर खिलाओ तो समझो कि मेरी भूख अपने आप मिट जाएगी। वृद्धा ने कहा, विप्र, वृद्धा कहती है विप्र, जाने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो, मैं खाती हूं यदि मेरा पेट न भरे तो जो खिलाने वाला है मैं उसे खा जाती हूं। ब्राह्मण मुस्कुराए, हंसे, मानो उनको ऐसी उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। वृद्धा को साथ लेके अपनी कोठी में आ गए हैं, आके नौकरों को कहा, वृद्धा को खूब खिलाओ, इतना खिलाओ जब तक इसका पेट नहीं भर जाता। घर का जितना खाना बना हुआ था वृद्धा खाती जा रही है, खाती जा रही है, खाती जा रही है, आज जितना भी खाना बना हुआ था सारे का सारा खत्म हो गया। वृद्धा लपकी ब्राह्मण पर, मैंने तुम्हें कहा था मेरा पेट नहीं भरता,
इसलिए मैं अब तुम्हें खाऊंगी। वह ब्राह्मण देवता भागे भागे संत महात्मा के पास गए। कहा महाराज,